असेंबली कैसे हैं आप लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ पे भी हमारे दोस्त अहबाब फैमिली मेंबर और हमारी टीम का हिस्सा दुनिया में जहाँ के में भी हम सबको ईद मुबारक ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप लोगों को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी गुज़िश्ता चार सालों से ये हमारा सिलसिला चला आ रहा है कि हम इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरीब इलाकों में और जहाँ पे हम इस ईद उल अज़हा के मौके पर अपने गरीब बहन भाइयों को याद रखते हैं जो साल भर गाय का बकरे का या ऊँट का गोश्त नहीं खा सकते उनके घर तक हम गोश्त पहुँचाते हैं। इस साल भी हमने इज्तिमाई कुर्बानी की है और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ राजनपुर सिखाने वाला में। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बहन भाइयों से माजरत चाहता हूँ जिन लोगों को हम विड्रा टाइम से नहीं दे सके। विड्रा का सिलसिला पिछले 5-6 माह से मुसलसल परेशानी का बायस बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो हमारे यूज़र जो हैं मेम्बर्स हैं उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि दिन रात उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ पे जो हमारे खिलाफ जो तहकीकात हो रही है मुख्तलिफ गवर्नमेंट इदारों की हम उन सब को पेश हैं और उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो भी हम दे रहे हैं। अदालत की सतह पे भी और इदारों की सतह पे भी हमें अपने इदारों पे भी पूरा भरोसा है, अदालत पे भी पूरा भरोसा है। ना हमें किसी की सिफारिश चाहिए, ना हम कोई पॉलिटिकली विल या पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल रिलेशनशिप यूज़ करते हुए अपने फैसलों के लिए किसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम किसी को पैसा दे रहे हैं। हम अल्लाह के हजूर पेश हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा मेरिट की बुनियाद पर फैसला करें। अगर हम वाकई इस दुनिया के अंदर गलत काम कर रहे हैं, वाकई हमारी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और वाकई हमारी वजह से आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो ठीक है, जो अल्लाह का फैसला होगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, हमें उसकी जो भी सज़ा मिलती है हम उसको कबूल करते हैं। और अगर हम वाकई आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और नेक नीति से काम कर रहे हैं और हर इदारे को फेस इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक दफ़ा से मुकम्मल तौर स्क्रूटनी हो जाए और जो गरीब लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है या उनकी ये फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल हम कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम दे रहे हैं, क्योंकि हम खाली बातें नहीं कर रहे, हमने 5 साल में डिलीवर किया है और उस डिलीवर करने की वजह से लोगों का अभी भी हमके ऊपर ट्रस्ट है और इंशाल्लाह ये ट्रस्ट रहेगा और ये पावर ही रहेगी। जलने वालों का मुंह काला होता रहेगा, जिनको परेशानी है अल्लाह ताला उनको जलील और रुसवा करेगा और जो हमारी किरदार कशी कर रहे हैं शहरों में भी तो वो आपको अपनी टीम लीडर्स के हवाले से पता चलता रहेगा। ये कुर्बानी का जो ईद की जो कुर्बानी है ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि हमने जानवर को ज़बह कर लिया और हमने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली, बल्कि अगर आप ही किसी के लिए किसी लोगों के लिए किसी ने आपकी दिल आज़ारी की है उसको दिल से माफ़ करें और आने वाले वक्तों में कोशिश करें कि ऐसी कोई दिल आज़ारी जो किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें, फैमिली के साथ इंजॉय करें। हैप्पी ईद मुबारक और इंशाल्लाह अगस्त महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़।